हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोलंबस फैमिली। तो गाइस, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं निसर्ग धाम एंड बर्ड सेंचुरी को। ये पॉइंट मैंगलोर टू मैसूर जो नेशनल हाईवे जाता है उसके बीच में पड़ता है। आप थोड़ा सा टाइम निकालकर इस पॉइंट को जरूर विजिट करना। तो गाइस, आज है डे 4 और हम लोग आए हैं कावेरी निसर्गधाम पार्क कुर्ग में। और यहाँ पे 60 रुपीज़ एंट्री फी फॉर अडल्ट है और 30 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन 5 to 10 के एज के लिए है। और यहाँ पे 25 रुपीज़ राइड है, एलिफेंट राइड, और 100 रुपीज़ बोटिंग भी है। तो हम लोग ये निसर्गधाम चेक करेंगे कैसा है। यहाँ पर अंदर आने के बाद पार्किंग के लिए बहुत बड़ी जगह की व्यवस्था करके रखी है। एंट्रेंस के पहले आपको सोविनेर शॉपिंग के बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगे, वहाँ पे आप बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारे फोटोज निकाले। वो फोटोज देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बड़े बड़े ह्यूमन स्टैचूज रखकर निसर्ग धाम ने लोकल कल्चर को काफी अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया है। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के पेड़ हैं, बट 90% पेड़ बैम्बू के ही है, इसीलिए इसे कुर्ग का बैम्बू फॉरेस्ट भी कहा जाता है।
यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है, उसकी एंट्री फी आपको अलग से लगेगी। इस बर्ड पार्क में आप बर्ड को फीड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा था कि किसी भी पॉइंट पे जाने से पहले हम लोग एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं ताकि वहाँ की गई मस्ती हमें याद रहे। तो ये रही हमारी ग्रुप सेल्फी। यहाँ एंट्री पर ही एक इगुआना पेट है, मतलब बड़े आकार की शाकाहारी छिपकली की प्रजाति। इसे हाथ पर लेकर आप फोटोज और वीडियोस भी निकाल सकते हैं। मैंने अपने लाइफ में पहली बार बर्ड्स को ऐसे हाथ पे फीड किया है। बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस रहा ये मेरे लिए।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करना ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और ये दोनों पॉइंट आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।